नमस्कार, आप देख रहे टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जब सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से दिन ब दिन पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक लगातार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से दिन ब दिन मांग कर रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई अविलंब तरीके से की जाए। आपको बता दें कि 32 साल पुराने किडनैपिंग मामले में जाप सुप्रीमो को गिरफ्तार किया गया है और उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में मधेपुरा लेकर गया गया। उसके बाद फिर उन्हें वीरपुर जेल शिफ्ट किया गया, फिर डीएमसीएच, और उसके बाद पप्पू यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो अपने समर्थकों के बीच, अपने लोगों के बीच दिन ब दिन ट्वीट करके वो बिहार सरकार को घेरने में लगे, केंद्र सरकार को घेरने में लगे। और इस वैश्विक महामारी के बीच में भी यादव लगातार जनता की, बिहार की जनता की अपडेट्स अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने समर्थकों द्वारा लेते रहते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, पप्पू यादव को जेल भी गए हुए अब 20-25 दिन हो भी चुके हैं, पप्पू यादव की अब तक रिहाई नहीं हुई है। हर दिन पप्पू यादव की पार्टी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता तरह तरीके से नीतीश कुमार को इस बात का संज्ञान दे रहे हैं और उनको ये कान में बात डाल रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई जो है वो जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि पप्पू यादव तो सेवा कर रहे थे। जनसेवा करना अगर अपराध है तो फिर सबको डाल दीजिए जेल के अंदर। अगर पप्पू यादव ये काम कर रहे हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर हमने आपको खबर भी दिखाई कि पटना में भी, राजधानी पटना में जाप के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल किया। आपको बता दें कि लखीसराय में भी पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कि जाप के कार्यकर्ता और जाप के समर्थकों ने उपवास रखा है। एक दिवसीय उपवास धरने पर वो बैठे हैं और नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको उपवास के माध्यम से इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, क्योंकि पप्पू यादव जन सेवा करना चाहते हैं और जेल से बाहर आने के बाद भी वो वही काम करेंगे जो वो कर रहे थे। तो पप्पू यादव को लेकर, उनकी रिहाई की मांग को लेकर अब लखीसराय में, आपको बता दे, सुबह हमने खबर भी आपको दिखाई कि पटना में भी ये राजू दानवीर के नेतृत्व में वहां पर पटना में जाप के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया है, भूख हड़ताल किया। और अब लखीसराय की खबर आपको हम दिखाएंगे, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लखीसराय में भी जाप के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भूख हड़ताल किया है, उपवास का धरना दिया है। इस पूरे वीडियो को देखिए। आज एक दिवसीय हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी आवाज सरकार के कान तक पहुंच नहीं रही है। तो अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोग एक दिवसीय उपवास पर है और हमारी सरकार से 5 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग है कि बिहार के का जो हॉस्पिटल का खस्ता हालत है, इसमें अविलंब सुधार किया जाए जिससे कि सारे लोगों को इलाज ढंग से मिल सके। दूसरी मांग है कि कोरोना से मरे हुए लोगों को अविलंब मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है कि जितनी भी महामारी 2021 में आई है, कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, सबका इलाज मुफ्त हो। चौथी मांग है कि वैक्सीनेशन का रेट दर बढ़ाया जाए, थोड़ा स्पीड किया जाए जिससे सारे लोगों को वैक्सीन मिल सके और महामारी ख़त्म हो। और पांचवी मांग है हमारी कि हमारे गरीबों के मसीहा, जन सेवक, जन नायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए। रंजय कुमार सिंह, प्रदेश।